मेंड योर जीके और पेरेंट कंपनी प्रेपक्यू की ओर से मैं मनीष कांडे आप सभी का करंट अफेयर्स के इस एडिशन में स्वागत करता हूं। ऑन बिहाफ ऑफ मेंड योर जीके and the parent company PrepQ, I welcome you to this edition of Current Affairs. Mend Your GK is a daily preparation tool for anybody preparing for current affairs. As an organization, we believe that current affairs is not something you can prepare for in the last 7 days or last 10 days, but you can do it very well spending just 10 to 15 minutes on current affairs daily. The team at Mend Your GK works very hard to ensure that all the relevant current affairs reaches you on time and you're constantly updated on the question types and the question patterns that have been appearing in several exams, various exams of current affairs. The names of these exams are listed here. These sessions will be conducted in easy to understand English, sometimes a bit of Hindi also. And we want to ensure that you look at current affairs from the point of view of understanding current affairs, not merely as something to mug up or something to cram. Every day the session will have 2 parts. The first part is headlines every day. Headlines as they appear in leading newspapers of the day. Basically Times of India, Indian Express, Economic Times, Live Mint and so on. And exam oriented questions is the next segment. So after this brief intro, let us move to the first segment of the day. आज की date है 13 फरवरी 2019 और सबसे पहले हम leading newspapers के headlines आज की देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले नेशनल हेडलाइन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एंड ट्रिपल तलाक बिल, इसका आज आखिरी दिन है। अगर आज ये राज्यसभा से पास नहीं हुई तो शायद हमें अगली लोकसभा तक इंतजार करना पड़ेगा इस बिल के पास होने का, इस बिल को लॉ में कन्वर्ट होते हुए देखने का। नेशनल वुमेन्स पार्टी, जो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक नेशनल वुमेन्स पार्टी बनी है जिसका एक ही एम है कि लोकसभा में 50% वुमेन महिलाओं का होना चाहिए क्योंकि महिलाएं लगभग 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, तो लोकसभा में भी उनका रिप्रेजेंटेशन 50% के आसपास होना चाहिए। और ये पार्टी फॉर्म की थी हैदराबाद की एक डॉक्टर हैं श्वेता शेट्टी, उन्होंने, और ये 283 लोकसभा सीट्स पर इलेक्शन लड़ने वाली है। राजस्थान में गुर्जर प्रोटेस्ट जो है वो अभी भी चल रहा है, 5वां दिन है, और ये 5% कोटा रिजर्वेशन को लेके इनका प्रोटेस्ट चल रहा है जो काफ़ी वायलेंट हो चुका है और रेल सर्विसेज भी अफेक्ट हो गई हैं उसके कारण। नेक्स्ट, सीएजी की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 95% ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स, 12 स्टेट्स हैं ऐसे जिसमें 95% रियल एस्टेट डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं जिनके पास पैन नंबर नहीं है। ये बड़ी हैरान करने वाली और दुखद बात है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी एक एके पटनायक वन मैन कमीशन फॉर्म किया है और ये कमीशन देखेगा पुलिस की जो ज्यादती हुई है पिछली गवर्नमेंट के रूल के दौरान और इलीगली जो लोगों को डिटेन करके रखा है, पुलिस लॉकअप में रखा है, इन इश्यूज़ को देखने के लिए ये कमीशन बनेगा और फिर ऐसी बातें बार बार ना हो और फिर से इसका रिपीटेशन ना हो, इसके लिए करेक्टिव मेजर्स भी रिकमेंड करेगा ये कमीशन। नेक्स्ट, RBI imposes penalty on 7 banks for non-compliance with various directions issued including monitoring end use of funds. तो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं और 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ICICI, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, रिटेल इन्फ्लेशन इज डाउन टू 2.05%। सो इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, और इन्फ्लेशन अगर डाउन है इसका क्या मतलब है? कई लोग समझते हैं कि इन्फ्लेशन का कम होना या रेट ऑफ इन्फ्लेशन का कम होने का अर्थ होता है प्राइसेस का कम होना। नहीं, इन्फ्लेशन अगर पॉजिटिव है तो प्राइसेस तो अभी भी बढ़ ही रही हैं। प्राइसेस घटेंगी तब जब इन्फ्लेशन की जो रेट होगी वो नेगेटिव में जाएगी। अगर रेट पॉजिटिव है जैसे अभी 2.05 है तो प्राइसेस बढ़ तो रही हैं पर जो बढ़ने की जो रेट है, बढ़ने की जो दर है वो कम हो गई है। नेक्स्ट, TRAI एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू 31 मार्च फॉर ब्रॉडकास्टर्स एंड केबल सर्विस ऑपरेटर्स टू माइग्रेट देयर कंज्यूमर्स टू न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। 1 फरवरी से TRAI ने ब्रॉडकास्टर्स और केबल ऑपरेटर्स को एक निर्देश दिया था, एक डायरेक्शन दिया था कि लोगों को अपने पसंद के अनुसार चैनल सिलेक्ट करके उसी के लिए पैसे देने होंगे। और अब पहले की तरह केबल ऑपरेटर्स और जो डिस्कॉम जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो एक ग्रुप बना के चैनल्स को नहीं बेच सकते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल हेडलाइंस, द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान ये अभी भारत के दौरे पे आने वाले हैं। 19 फरवरी से ये दौरा चालू होगा और इस दौरे में बहुत सारी म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातें ये डिस्कस करेंगे अपने काउंटर पार्ट्स। नोटोरियस ड्रग लॉर्ड जोaquín एल चैपो गज़मान कन्विक्टेड इन यूएस ऑफ रनिंग स्मगलिंग ऑपरेशंस एंड ग्रिजली किलिंग्स। तो इनको हॉलीवुड स्टाइल्स किलिंग्स और एक ऑर्गेनाइज्ड स्मगलिंग गैंग चलाने के लिए इनके ऊपर केस चल रहा था और ये 1990 से लेके 2010 तक इन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्मगलिंग एक्टिविटी मेक्सिको से यूएस में की थी। जी जिनपिंग साइंस द फर्स्ट एवर डेक्री ऑन फोर्सेस ट्रेनिंग टू इम्प्रूव कॉम्बैट रेडीनेस। तो चाइना में ये इस तरह की पहली ट्रेनिंग का ऑर्डर जी जिनपिंग जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऑर्डर किया है और इस ऑर्डर के तहत आर्मी को बेहतर तरीके से कॉम्बैट के लिए रेडी किया जाएगा। कॉम्बैट मतलब वॉर। इंडिया एंड चाइना आर लीडिंग ग्लोबल ग्रीनिंग एफर्ट। दे अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ ग्रीनिंग बट कंटेन ओनली 9% ऑफ प्लैनेट्स लैंड एरिया कवर्ड अंडर वेजिटेशन। दिस इज अ स्टडी बाय नासा। तो आमतौर पे इंडिया और चाइना को पोल्यूटिंग कंट्रीज में नाम होता है इंडिया और चाइना का, पर यहाँ पे ग्रीनिंग प्लैनेट का जितना भी ग्रीनिंग एफर्ट है उसका 1/3 इंडिया और चाइना अकेले करते हैं, जबकि जो वेजिटेशन है मतलब जो लैंड एरिया वेजिटेशन से कवर्ड है वो प्लैनेट का टोटल 9% ही है इंडिया और चाइना के पास। नेक्स्ट स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज कुछ विशेष नहीं है। जो ऑनगोइंग कप्स हैं वो हैं टेनिस में डेविस कप और फेड कप। डेविस कप एक मेन मतलब पुरुषों का टीम इवेंट है और फेड कप जो है जिसको कुछ सालों पहले तक फेडरेशन कप के नाम से जाना जाता था ये महिलाओं का टीम इवेंट है। और आईएसएल जो कि एक लीग फुटबॉल सीरीज है जो इंडिया में चल रही है। अब आज का अगला सेगमेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑन फरवरी 8 2019 ग्रांटेड द डिविजनल स्टेटस टू विच रीजन। इसका सही आंसर है लद्दाख और यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं लेह और कारगिल और लेह को जो है वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स बनाया गया है। जो वहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक उन्होंने डिविजनल स्टेटस लद्दाख रीजन को दिया है अभी कुछ ही दिनों पहले। नेक्स्ट विच फिल्म वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स एट 2019 बाफ्टा अवार्ड्स। बाफ्टा मतलब ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स जो है वो फिल्म द फेवरेट को मिले हैं। 12 नॉमिनेशंस आए थे इस फिल्म के लिए जिसमें से 7 अवार्ड्स इस फिल्म को मिल गए हैं और ये एक कॉमेडी है, डार्क पीरियड कॉमेडी है और इसमें लीडिंग एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्ट्रेस और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म ये तीनों अवार्ड्स भी इसी फिल्म को मिले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट ऑफ 13th Conference of Parties released by Union Environment Minister Dr. हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होने वाली है ये माइग्रेटरी स्पीशीज पे हो रही है और ऐसी 12 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। ये 13वीं कॉन्फ्रेंस होगी 2020 में गुजरात में और इसका मैस्कट जो है इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बनाया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब सोन चिरैया, जो हिंदी जानते हैं शायद उन्होंने सोन चिरैया ये शब्द सुना होगा। नेक्स्ट द फर्स्ट ऑफ द 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स अराइव्ड इन इंडिया ऑन फरवरी 10 2019 फ्रॉम विच कंट्री। इसका सही जवाब है यूएस। 2015 में हमारी गवर्नमेंट ने चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स और 22 अपाशे हेलीकॉप्टर्स, ये अटैक हेलीकॉप्टर है अपाशे, इसका ऑर्डर दिया था जिसमें से ये पहला लॉट आ गया है। नेक्स्ट विच वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2019। आंसर है आईएनएस त्रिकंड। तो ये मल्टीनेशनल मैरीटाइम मतलब मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है ये। दार्द आर्यन ट्राइब विच इज रिसेंटली इन न्यूज इज फ्रॉम विच स्टेट। तो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। इसके गांव हैं धा, हनु, गारकौन और दारचिक। ये चार गांवों को मिला के आर्यन वैले का नाम दिया जाता है, जो टूरिज्म सर्कल्स हैं वहाँ के हिमाचल प्रदेश के, तो उन्होंने इसको आर्यन वैली का नाम दिया है। और वहाँ पे बुद्धिस्ट दार ट्राइब्स, जिनको ब्रोकपास के नाम से भी जाना जाता है, तो इस ट्राइब के टोटल 4000 लोग ही अब दुनिया में बचे हैं। और ये लोग चाहते हैं कि इनका जो कल्चरल हेरिटेज है वो उसको बचाया जाए, उसके लिए एफर्ट्स किए जाए, जिसके लिए ये न्यूज़ में है। Name the scheme launched by Union Minister for Commerce and Industry and Civil Aviation Suresh Prabhu to provide a platform for women's self-help groups to showcase their innovations and entrepreneurial skills. Correct answer is Hirkani, Maharashtra Chi. Now this is a platform for women's self-help groups. Self-help group का मतलब क्या है? ये कुछ 8-10 लोगों का एक ग्रुप होता है जो रूरल एरियाज में, सेमी रूरल एरियाज में काम करता है और वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, उसके लिए पैसे रेज करता है। और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक बिजनेस प्लान कंपटीशन के लिए आमंत्रित किया ये अभी सुरेश प्रभु जी ने, और ये कंपटीशन तालुका लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। हर तालुका से 10 जो बिजनेस प्लान सिलेक्टेड होंगे उनको 50,000 रुपये, और हर डिस्ट्रिक्ट से 5 ग्रुप्स जो सिलेक्ट होंगे उनको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे अपने आइडियाज को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, नेम द न्यू दूरदर्शन चैनल लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर अरुणाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज डीडी अरुण प्रभा। सो ये 30 और यहां पे अभी तीसरा एफटीआई है, तीसरा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट भी आने वाला है। पहले 2 पुणे और कोलकाता में ऑलरेडी हैं। अरुणाचल प्रदेश सेला टनल प्रोजेक्ट के लिए भी न्यूज में था कुछ दिनों पहले। ये टनल जो है ये गुवाहाटी और तवांग, अरुणाचल प्रदेश में तवांग जगह है, इन 2 सिटीज़ को, इन 2 जगहों को कनेक्ट करने वाली एक ऑल वेदर रोड बन जाएगी इस टनल के पूरा होने से। नेक्स्ट, विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 2019 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। द करेक्ट आंसर इज रोमा। नेक्स्ट, Which nation's president has taken over as the new chair of African Union? The correct answer is Egypt. अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बताया था, और ये जो नाम है इनका अब्दुल फतह अल सीसी। इसके साथ ही हम पहुंच गए आज के क्वेश्चन फॉर द डे पे। पहला क्वेश्चन है, द दार्द आर्यन ट्राइब बिलोंग्स टू विच वैली। उस वैली का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड हु हैज बीन चोजन टू हेड द पैनल फॉर्म्ड टू लुक इनटू पुलिस एक्सेसेस एंड इलीगल डिटेंशंस इन छत्तीसगढ़। तो ये दोनों के आंसर्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आप कैट एस्पिरेंट्स हैं तो कैट एस्पिरेंट्स के लिए हम लोग प्रेप क्यूए कॉम्प्रिहेंसिव और प्रेप डीआईएलआर कॉम्प्रिहेंसिव के नाम से 2 बेहतरीन कोर्सेज चलाते हैं, जो बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक आपको ले जाएंगे। अगर आप कैट के लिए फ्री रिसोर्सेज देख रहे हैं तो मेंड योर मैथ्स, मेंड योर रीजनिंग और मेंड योर gk.com आपके फ्री रिसोर्सेज हो सकते हैं जो आपको मदद करेंगे। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, मुझसे कोई करियर रिलेटेड सवाल करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच।